शासन के ऊर्जा प्रमुख सचिव संजय दुबे ने उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली बिजली निर्माण संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र पहुंचकर वहां का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विशेष तौर पर कोयले की अनलोडिंग करने वाले श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान को लेकर नगद की जगह उनके बैंक खातों में सीधे मजदूरी का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। प्रवास पर आए प्रमुख सचिव दुबे ने प्लांट की सभी इकाइयों की कोल हैंडलिंग, राखर डैम व कोयला अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग आदि स्थानों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली तथा उसे दिशा निर्देश प्रदान किए। उसके साथ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के MD मंजीत सिंह, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले प्रमुख सचिव और जिले के कलेक्टर बिरासिनी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वर्षों से जमे अधिकारियों ने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में हर स्तर पर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। हर वर्ष लगभग 4 महीने तक बंद रहती है। यूनिट जब करोड़ों रुपए खर्च के मरम्मत करने के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन यूनिट ठप हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारियों द्वारा महज कागजों में काम दिखाकर सरकारी पैसों का बंदरबांट कर लिया जाता है, जबकि अनलोडिंग में लगे 600 मजदूरों का अब तक न तो खाता खुलवाया गया है और न ही उनका EPF आदि जमा किया गया है। कार्य कर रहे हैं मजदूरों का नगद भुगतान कर अधिकारी हर महीने लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का जिले से लेकर राजधानी तक गूंज रही, लेकिन आखिर क्यों नहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई कार्यवाही की? मीडिया को दूर रखने का क्या कारण है? क्यों प्रयास किया जा रहा है कि संजय गांधी पावर प्लांट में लंबे समय से धांधली में लिप्त अधिकारियों की कहीं पोल ना खुल जाए, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और सुरक्षा गार्डों के द्वारा मीडिया को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी ऊर्जा प्रमुख सचिव तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अंदर आने का निर्देश दिया। वहीं चर्चा के दौरान ऊर्जा प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में उत्पादन खर्च समन्वयन बैठाने के अलावा पुराने प्लांट के सुधार हेतु चर्चा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इन सभी कमियों को दूर किया जाएगा तथा इसके सार्थक परिणाम भी दिखाई देंगे। देखिए, दिशा निर्देश तो अभी मैंने दिए ही नहीं, अभी तो मैंने केवल प्लांट का भ्रमण किया है। अब मैं जाकर के बैठक लूंगा और उसमें फिर जो मैंने ऑब्जर्व किया है या जो दिशा निर्देश देने वो दिए जाएंगे। अभी विजिट करने का उद्देश्य ये था कि प्लांट में पिछले कुछ समय से कुछ ब्रेकडाउन हो रहे थे, उसको समझना था। यहाँ के अधिकारियों ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे कि एक पैरेलल लाइन क्रिएट की है, उसको मैं देखना चाह रहा था कि किस तरह से किया है। हमारा ऐश हैंडलिंग प्लांट में हम लोग संशोधन करना चाह रहे हैं, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करनी थी। कोल हैंडलिंग प्लांट्स के बारे में जो हमारी रेक्स आती हैं उसके बारे में देखना था, हमारी एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और चूँकि ये पुराने प्लांट हो गए हैं इनको हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बराबर बना रहे और जो बीरसिंहपुर सबसे सस्ती बिजली पूरे प्रदेश को देता है वो यथावत बनी रहे, वो उद्देश्य था इसका। जी सर जी, ये बार बार जैसे यूनिट बंद हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ प्रयास हो? मैंने ऑब्जर्व किया है, आज बैठक होगी, उसके बाद तय करेंगे दोनों सभी पक्षों को सुन करके क्या हुआ है, क्या परेशानियाँ हैं, कैसे इनका निराकरण किया जा सकता है, उसके बाद तय करेंगे। सर, ये एक मामला हो रहा था, ये कोल्हापड़ में है, जो कोल्हापड़ में मजदूर काम करते हैं उनको बैंक पेमेंट होना चाहिए, लेकिन आज भी ये बात सामने आती है कि कई मजदूरों को कैश पेमेंट दी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें ये बात मेरे ध्यान में आ गई है, इस पर निश्चित रूप से बैंक पेमेंट की व्यवस्था कर दी जाएगी। सर, इसके अलावा क्या न्यूज़ के लिए बिरसिंहपुर पाली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।